दोस्तों, मौत एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। पृथ्वी पर अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि शव खराब ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में किसी की मौत हो जाए तो फिर क्या होगा? आखिर उसकी लाश का होता क्या होगा? और इसी सवाल के जवाब को पता करने के लिए ये सवाल नासा के अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स से पूछा गया। उन्होंने बताया, किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए शायद स्पेस में मौत को सबसे ज्यादा बुरा ही माना जाता है। टेरी विट्स ने यह भी बताया, क्योंकि ना तो स्पेसक्राफ्ट में लाश को स्टोर करने की कोई सुविधा उपलब्ध होती है और ना ही इतना वक्त होता है कि वो अपना मिशन खत्म करने तक एस्ट्रोनॉट की लाश को रख सके। इसलिए दोस्तों, इस बात को जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि आखिर लाश के साथ स्पेस में होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर जवाब मिल जाए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, तभी तो भारत से भी बहुत से लोग स्पेस में जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये अंतरिक्ष यात्रा इतनी आसान बिल्कुल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। अगर स्पेस में किसी भी एक्सीडेंट की वजह से किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी बॉडी मिलना नामुमकिन है। इसलिए किसी की मौत स्पेस में बहुत ही भयानक मानी जाती है। दोस्तों, नासा के 14 एस्ट्रोनॉट समेत कुल 18 एस्ट्रोनॉट ऐसे हैं जिनके साथ ही भयानक घटना घटी है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवी में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में मरते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी कि साइंस फिक्शन मूवी में दिखाई गई हर चीज सही नहीं होती। कई बार मूवी को कुछ ज्यादा रोमांचक और ड्रामेटिक बनाने के लिए मूवी में सच को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। अंतरिक्ष में अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप या अपने स्पेस स्टेशन से बिछड़ जाता है तो उसकी मौत के चांसेस लगभग 101% होते हैं, और उसको बचाने के बारे में सोचना भी टाइम को वेस्ट करने जैसा है। दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ ही होंगे, बिना स्पेस सूट के स्पेस के संपर्क में रहना इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में मात्र 15 मिनट में उस इंसान का होश खो जाता है और महज 1 मिनट में उस इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, उस इंसान की मौत इतनी ज्यादा भयानक होती है जिसके बारे में आप अपने पूरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पल को मान लिया जाए कि एक एस्ट्रोनॉट अपना स्पेस सूट पहने हुए हैं, और ये भी मान ले कि उसके स्पेस सूट में कोई गड़बड़ी नहीं है और वो स्पेस में खो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी दोस्तों, वो एस्ट्रोनॉट मात्र कुछ घंटों तक ही जीवित रह पाएगा, और उसके लिए ये घंटे बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों आसान नहीं होगा? तो दोस्तों, ये अंतरिक्ष बिल्कुल खाली होता है, पूरा वैक्यूम, जिसका मतलब साफ है कि अंतरिक्ष की डेंसिटी ना के बराबर होती है। अब इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि वैक्यूम में ना तो हवा होती है और ना ही कोई मैटर, और यही वजह है कि आवाज यानी साउंड भी अंतरिक्ष में ट्रैवल नहीं कर पाता। मतलब दोस्तों, जब अंतरिक्ष में होंगे तो आपकी आवाज किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि ना आपकी आवाज कोई सुन सकता है ना किसी और की आवाज आप। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में बहुत सारे घातक रेडिएशन मौजूद होते हैं और आप कभी भी इन रेडिएशन का आराम से शिकार बन सकते हैं। पर ये चीज भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप आखिर मौजूद कहां हैं, क्योंकि अगर आप सूरज के पास है तो आप बहुत जल्दी सूरज के रेडिएशन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट के शैडो में तो फिर आप ऐसे में ठंड का शिकार होंगे। स्पेस में मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है, स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स भी घूमते रहते हैं, छोटे बड़े आकार के, जो आपसे किसी भी वक्त टकरा सकते हैं, जिस वजह से स्पेस सूट में कोई खराबी आ जाए। अब सोचिए दोस्तों, क्या वो घंटे आप चैन से गुजार पाएंगे जब आपको पता हो कि मौत बेहद करीब है? दोस्तों, स्पेस एकमात्र ऐसी जगह है जहां खतरा आपके आसपास मंडराता ही रहता है। अब आप हमारे इतने सारी बातों से समझ ही गए होंगे कि स्पेस में गुम होने के बाद मौत निश्चित है, पर सवाल कि उसके बाद क्या? तो मौत के बाद एस्ट्रोनॉट की बॉडी स्पेस में घूमने वाली कोई आम ऑब्जेक्ट बन जाती है और हजारों सैकड़ों सालों तक ऐसे ही स्पेस में घूमती रहेगी, लास्ट में सूरज से जाकर टकरा जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, स्पेस में तैरता लाशों का वो मंजर कितना डरावना होगा। वैसे अभी तक दोस्तों, हमने जितने भी देहांत की बात की वो सारे एक्सीडेंटली थे, पर अब आते हैं, क्या अगर कोई नेचुरली मर जाए? वैसे दोस्तों, किसी स्पेस मिशन के दौरान किसी की प्राकृतिक मौत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स की जांच की जाती है, साथ ही उन्हें हर परिस्थिति में तैयार किया जाता है।
दोस्तों ये बातें हम सभी जानते हैं कि साइंस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, जिसके बाद से स्पेस में लोग सालों साल तक रहेंगे। और ऐसे में किसी को मौत अगर हो जाती है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? वैसे फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं अभी की बात। दोस्तों आज के वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हटफील्ड के अनुसार अगर ऐसा कुछ होता है तो स्पेस स्टेशन के कमांडर ये डिसीजन लेते हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर उसकी बॉडी को धरती पर वापस लाया जाए तो भी कोई आसान नहीं होगा। वैसे अगर इस बात पर गौर फरमाया जाए तो इस घटना को लेकर कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। बता दें कि अंतरिक्ष में 213 दिन तक रहने वाला एस्ट्रोनॉट टेरी विट्स से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों को बचाने की तो ट्रेनिंग मिली है, पर मरने के बाद बॉडी का क्या करना है इस बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला वक्त स्पेस ट्रैवल का होने वाला है, जहां अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा भी करेंगे, और ऐसी सिचुएशन में किसी की मौत हो जाती है तो कोई अच्छा तरीका तो साइंटिस्ट के पास जरूर होना चाहिए। वैसे स्पेस में मौत के ऊपर अभी कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। फ्यूचर में स्पेस में मौत के ऊपर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि बॉडी को पृथ्वी पर लाया जाए, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। अब वक्त ज्यादा लगेगा तो बॉडी भी जल्दी से सड़ जाएगी। इंसान के मरने के बाद से ही बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है, और अगर उसे पृथ्वी पर लाना है तो वो भी सही सलामत। ऐसे में ध्यान रखना होगा कि बॉडी कहीं डीकम्पोज ना हो पाए। दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अटपटी है, और वो है स्पेस में बॉडी का अंतिम संस्कार कर देना। जब इस अंतिम प्रथा में कोई धर्म आड़े नहीं आएगा बल्कि इन सबसे अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2005 में एक स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा के रिसर्च में ऐसी कल्पना की गई है जो किसी एस्ट्रोनॉट के बॉडी को आराम से फ्रीज कर देगा और बाद में उसे बर्फीले मांस के टुकड़े में बदल देगा। वैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा निर्दयी है, पर आने वाले फ्यूचर में ये काम स्पेस में कारगर भी हो सकता है। तीसरा तरीका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगे पर उतना ही मुश्किल भी है। इसमें किसी भी एस्ट्रोनॉट की मौत के बाद उसकी लाश को किसी और प्लेनेट पर जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना। अब किसी और प्लेनेट पर जाकर जलाकर उनका अंतिम संस्कार पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी जलाने के लिए वहां ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है, जो कि किसी और ग्रह पर मिलना ही नामुमकिन है। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पड़ोसी प्लेनेट को देख लीजिए, जो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए जलाने के अलावा दूसरा ऑप्शन है बॉडी को दफन करना। वैसे दूसरे ग्रह पर किसी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को दफन करना ये किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि फिलहाल कुछ वक्त बाद वैज्ञानिकों का किसी और प्लेनेट पर जाना संभव नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में जब इंसान मंगल पर कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा तो अंतरिक्ष में मरी हुई डेड बॉडी को दफनाने का काम आराम से शुरू किया जा सकता है। वैसे आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए उसे एक मशीन में रखकर सुला देते हैं, जिसे हाइपर मिशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, जब वो कुछ वक्त बाद वापस लौटते हैं तो वो इंसान उन्हें वैसे ही जीवित मिलता है। दोस्तों ये बात आज सुनने और देखने में तो कुछ ज्यादा ही साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में कभी कोई इस तरह की तकनीक हम तैयार कर पाए जिससे हम किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में मरने से बचा पाएंगे और उसे जीवित भी रख पाएंगे तो कितना अच्छा होगा। वैसे उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको क्या लगता है, साइंटिस्ट को ऐसा कुछ विकसित करना चाहिए या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्पेस की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें।